फ्रेंड्स, आज हम दोनों यहाँ पर हैं डिस्कस करने के लिए कि हमारे नेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रूट्स के बारे में एंड अबाउट देयर सॉल्यूशंस। दिस इज गौरव एंड दिस इज निखिल। एंड वी आर हेयर, सो लेट्स स्टार्ट। तो यस, निखिल, आज हम किस टॉपिक पे बात करें? हमारे देश में देखा जाए कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो कौन सा टॉपिक सही रहेगा? आज हम करप्शन के ऊपर बात करना चाहिए क्योंकि करप्शन हमारे देश में बहुत फैलती जा रही है, हाँ, करप्शन तो जिसके आज वजह से हमारे युवा पीढ़ी पर गलत असर पड़ रही है। आजकल देखा जाए तो करप्शन कहाँ नहीं है। कल याद है, कल हम लोग गाड़ी चला के जा रहे थे, वो पुलिस वाले ने पकड़ा था, 50 रुपये फाइन दे के निकले थे वहां से। तो देखिए, हाँ हाँ, सर, ये भी सही है। तो अभी जैसे अभी मैंने मुझे कल की बात याद आ गई। कल हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे, अंडर एज ड्राइवर्स हैं, 18 हुआ नहीं है, मगर बिना हेलमेट के जा रहे थे, मगर हमें छोड़ दिया गया क्योंकि इसके चाचा विधायक नहीं है। ये मत सोचिएगा इसके चाचा विधायक है, छोड़ दिया गया क्योंकि हम लोगों ने पैसा दे दिया। यही है करप्शन जो हमारे देश में आजकल फैल रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं करप्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ, करप्शन का रूट कहाँ है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि हर चीज़ का कोई रूट होता है, हाँ राइट? सर, ये भी सही है। जैसे एक पौधा जब आता है उसके लिए आपको बीज लगाना होता है। अब करप्शन का बीज कहाँ लगाया गया है? हमारे बड़ों से करप्शन हमारे अंदर आया है। जैसे हम अगर रास्ते में जा रहे होते हैं और हम ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं, तो ट्रैफिक हमारे बड़े हमें कुछ कहते नहीं है क्योंकि हम उनकी बात में ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। इसलिए ट्रैफिक रूल्स लेकिन हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक रूल्स अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप तो फ्यूचर ही बिगड़ जाएगा। एक्सीडेंट छोटा मोटा होने से फिर भी आपका फ्यूचर बच जाएगा, बड़ा एक्सीडेंट होने से फ्यूचर अंधेरे में गया। तो सबसे पहले जैसे निखिल जी ने कहा, बुनियादी बात है रोड, क्योंकि घर से निकलते ही पहले रास्ता आ जाता है। क्या करें, रोड के साइड में घर है तो घर से निकलते ही पहले रास्ता आ जाता है। रास्ते में नियम पालन ही नहीं करते। बोला जाता है 2 व्हीलर चलाने के टाइम में हेलमेट पहनना चाहिए, 4 व्हीलर पर चलाने, हम फॉलो नहीं करते हम तो हैं। फॉलो ही नहीं करते हैं। बाइक में कितने लोग जाने चाहिए? 2 लोग। और हम कितने लेके गए थे कल? 3 लोग। तीन। अभी वो जो पीछे और एक बैठा था भूल गया उसको? क्या इंसान है यार। छोड़ो, कोई नहीं। व्यूअर्स देखिए, इसका दिमाग वैसे ही खराब रहता है हमेशा। तो 4 लोगों को हम लेके गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि देश का क्या हो रहा है। आजकल की युवा पीढ़ी, यहाँ पे हम दोनों ही हैं, तो आजकल की, यंग वंस, हाँ, यंग वंस, तो आजकल की युवा पीढ़ी अगर इस तरह बर्बाद होगी तो फ्यूचर का क्या होगा, क्या होगा इस फ्यूचर का? तो आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि लालू, अच्छा निखिल, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मेरे दिल में बहुत ये क्वेश्चन बहुत दिनों से था। पूछिए। तो महात्मा गांधी जेल गए थे, उनके ऊपर में बुक लिखा गया, ठीक है? उसके बाद में फिर ये लालू जी अभी जेल गए हैं बॉर्डर्स कैंप में, ठीक है? उनके ऊपर बोला जा रहा है कि बुक लिखा जाएगा। संजय दत्त जेल गए थे, उनके ऊपर में फिल्म बनाया जा रहा है। तो क्या यंगस्टर्स को इससे क्या सीख मिलती है कि जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जेल जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि क्राइम करना अच्छा बात नहीं है। आप बोलिए कुछ। जैसे कि निखिल जी ने कहा, जेल जाना ठीक ही नहीं है। आजकल जितने भी ये फिल्म बनाए जा रहे हैं एक्टर्स और उन सबके ऊपर में, वो लोग पैसा देके बना रहे हैं, यही है करप्शन। हर जगह पे करप्शन है। आप कुछ भी कर लीजिए, करप्शन है। खाने में भी करप्शन है। आप जैसे देखिए, मैंने इसको आज खाने में कुछ दिया, अगले दिन मैं इसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को खिलाएगा, यही करप्शन है। आज मैंने घूस दिया इसको, कल जाके फिर वापस रिटर्न लूंगा, यही करप्शन। तो करप्शन के निदान के बारे में, उसके उपायों के बारे में हम जानते हैं। तो निखिल जी, करप्शन का क्या, करप्शन ठीक हो सकता है कभी हमारे देश में, या वो ऐसे करप्शन बढ़ता रहेगा? करप्शन ठीक हो सकता है जब हमारे बड़े हमें
अच्छे माने अच्छे बात सिखाया माने कि ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। ट्रैफिक के पीछे क्यों पड़ा। तो हाँ निखिल जी को आप जैसे देख सकते हैं, उन्हें रास्ते से बहुत प्यार है, क्योंकि कल ही इन्होंने अपने रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड को देखा था, इसलिए आज इन्हें उसकी नहीं बहुत याद आ नहीं रही है। ये बात नहीं है। अच्छा तो क्या बात है, अभी कुछ और बोलना यार, ट्रैफिक के पीछे पड़ा हुआ है तब से बोल। तो बाहर वीडियो के साथ देखने बोल गया। ठीक है निखिल जी शर्मा गए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सुन के, फिर वापस आ अभी गए। तू ये सब भेजेगा तो जैसे कि मैं अभी पूछ रहा था कि आप क्या व्यूज क्या है, मतलब कैसे दूर कर सकते हैं हम करप्शन को, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल। देखा जाए तो किसी भी काम के लिए हमें घूस देना ही होता है, काम नहीं कराओ उसके लिए भी घूस देना होता है। पर करप्शन हम रोक सकते हैं अगर हम यंग वंस इस करप्शन पर प्रोटेस्ट करें। क्या सिर्फ धरना देने से या फिर वो सब करने से करप्शन बंद हो जाएगा? वो तो अभी हमें पता नहीं है। तो मैं अपना व्यू इसके बारे में एस वी आर बताता द हूँ, यंग वंस सो वी डोंट नो। तो मैं अपना व्यू अभी बताता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग करप्शन को रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं वो हम अगले वीडियो में नहीं इसी वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा फनी हो गया, सुनिए। बोलिए। करप्शन को रोकने का सबसे पहला तरीका है हमें अपने जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा। जुडिशियल सिस्टम से पहले अपने पब्लिक को स्ट्रांग करना होगा। अगर सबके अंदर में यूनिटी रहा और कोई भी करप्शन को सपोर्ट नहीं करेगा, देन वी कैन फाइट करप्शन। सो आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्ते। लेकिन लेकिन गौरव जी, मेरा जी एक क्वेश्चन है। जी जरूर। हर स्टेज में करप्शन है, कोई भी स्टेज में देखे, एजुकेशन में करप्शन है, फिर आपका ये फुल माने बोल रहे हैं इतना जल्दी मत हंसिए, कंफ्यूज कर रहे हैं आप एजुकेशन में, फिर ये आने जान माने ट्रैफिकिंग में। बंद कर। अच्छा गौरव जी आप बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पर करप्शन है। करप्शन देखा जाए तो कहाँ भी नहीं है, आप वो पूछिए। हर जगह में करप्शन है। वो अब जब सही आप है। किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, दुकान में आया वो चीज़ भी करप्टेड हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप सेफ्टी के ऊपर में आते हैं, सेफ्टी में आप पुलिस वालों के ऊपर में जाते हैं, तो पुलिस वाले भी करप्टेड हैं आजकल। हर एक एक फेज में लाइफ के हर करप्शन है, एक फील्ड में हर एक एक फील्ड में करप्शन ही करप्शन है। एजुकेशन में देखो, इंजीनियर्स राइट, डॉक्टर्स सब में करप्शन। लॉयर्स डॉक्टर्स के पास में आप जाते हैं मेडिसिन के लिए, उनका भी कमीशन रहता है, वो लोग भी आपको महंगी दवाइयाँ देंगे, वो उनका करप्शन है। उसके बाद में एजुकेशन में आप जाइए, एजुकेशन में आप कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, आपको डोनेशन देना होगा, आप वो कम भी परसेंट करप्टेड। राइट आप कम परसेंटेज रखे होंगे और आप ज़्यादा परसेंटेज वालों बच्चों से डोनेशन भी देकर जा वहाँ पे, सकते हैं। हाँ, और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा वहाँ पे। और जबकि जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं, पैसे ना दे पाने की वजह से वो लोग वहीं पे फंस जाते हैं और उनका एजुकेशन वहीं पे कम हो जाता है। और कितने सारे जगह में आप जा सकते हैं, आपने अभी देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में आया था, लालू यादव फॉर्डर स्कैम के लिए 5 साल में जेल गए, 5 साल के लिए जेल गए। तो फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला, चारा के ऊपर में भी वो लोग घोटाला कर दे रहे हैं। अरे आप लालू के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, लालू यादव को छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल, कुछ दिन पहले उन्होंने भी चाय के बारे में घोटाला किया था, चाय के बारे में। हाँ, पार्टी में कुछ लोग आए थे स्कैम। और चाय कितना सारा बनाया गया था। वही हमारे देश को अब सिर्फ और सिर्फ हम यंगस्टर्स ही बचा सकते हैं। अगर हम यंगस्टर्स का फुल सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग बचा सकते हैं अपने देश को, और साथ ही साथ में इस देश को ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं, इस देश को पूरे ब्रह्मांड की बुलंदी पे लेके जा सकते हैं। आज जब हमारा देश मार्स तक पहुंच चुका है, तो उस टाइम में हमारे देश में इतने छोटे छोटे से प्रॉब्लम उसमें छेद कर रहे हैं। उसी से बचाने के लिए हम दो दोस्तों ने ये ये
संकल्प लिया है कि हम लोग आप लोगों को ऐसी ऐसे कभी, वीडियो भेजेंगे और ताकि आप लोग ताकि आप देख सके और कुछ सीख सके। सो धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते प्लीज नमस्ते बोल रहे भाई। द एक्सा रू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। और फ्रेंड्स, इस बार हम अच्छे फैक्ट्स नहीं ला पाए, उसके लिए हम सॉरी, मगर नेक्स्ट टाइम विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट फैक्ट्स। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।